हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो एग्जाम में मात्र एक सेकंड के अंदर सीधा उड़ा दोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से चल रहा है लेक्चर, देखते रहो उड़ाते रहो, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लास कहीं नहीं मिलेगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते तो आज बात करेंगे सबसे पहले एंगल के बारे में। आपको मान लिया दे दी जाए साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ बच्चे करेंगे क्या? कुछ बच्चे करेंगे जो बहुत तेज होंगे, अभी फॉर्मूला बताया नहीं, उस फॉर्मूला पे चलेंगे निकालने के लिए। करेंगे क्या कि गुरुजी साइन 45 माइनस 30 करके भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 30, 45 इंटू साइन 30, और ऐसे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। ऐसे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और अपने आप को 30 मार्क हां समझेंगे, अपने आप को 30 मार्क हां समझेंगे कि मुझे साइन 15 की वैल्यू आखिर पसीना बहाने के बाद 15 से 10 सेकेंड उड़ाने के बाद इतनी वैल्यू आ गई। मगर जो बच्चे तेज होंगे वो कहेंगे हम क्यों ऐसे मेहनत करें, ये तो गधे की तरह मेहनत करना हमें नहीं आता। तो याद रखना सीधा, जैसे ही साइन 15 की वैल्यू मांगे, याद रखो रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2, जाके पेपर पलट लेना, चाहे जेई चाहे एनडीए चाहे क्लास 11 12 चाहे जिस भी एग्जाम के आया करते हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है, रेलवे एनटीपीसी सीडीएस एफ कैट सारे एग्जाम के लिए, एसएससी सब एग्जाम के लिए साइन 15 की वैल्यू रूट 3 माइनस 1। अगर यहीं पे अब बोलेगा गुरुजी साइन 15 की बात तो ठीक है, अगर कॉस 15 की बात कर ले तो आप बोलोगे गुरुजी एक वैल्यू हमें याद करना है, दूसरा तो वैसे ही आ जाएगा। तो देखो, जैसे ही कॉस 15 डिग्री की मान पूछे, पहले ऐसे ही लिखना, इसको प्लस कर देना, वही है कॉस 15 की वैल्यू, वही है कॉस 15 की वैल्यू। ये फॉर्मूला भी बताऊंगा अगले लेक्चर में, टेंशन ना लो, वो भी बताऊंगा, सब बताएंगे, मगर जो ट्रिक्स है ना उसको भी एब्जॉर्ब करते रहो अपने अंदर, ठीक है। अब देखो, अब साइन 15 कॉस 15 हो गया, अगर यहीं पे आपको बोल दे टेन 15, फॉर्मूला याद रखना, अगर यहीं पे बोल दे आपको टेन 15 तो बहुत के हो जाते हैं 18। टेन 15 बोले 2 माइनस रूट 3 और आपको कॉट 75 भी बोले फिर भी होगा 2 माइनस रूट 3, दिमाग में डाल लो, क्योंकि हम जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, जानते हैं ना टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये तो अपने आप उड़ गया। अब यहीं पे अगर कॉट 15 की मान पूछ ली जाए, अगर यहीं पे आपसे पूछे कि कॉट 15 का मान या टेन 75 का मान, बोलना 2 प्लस रूट 3, क्या बोलोगे 2 प्लस रूट 3। कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर गुरुजी याद क्यों करेंगे, हम निकाल देंगे 45 माइनस 30 निकल जाएगा। अबे भैया सुनो इधर, वो फॉर्मूला से सब निकाल सकता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, दो तीन बार पढ़ोगे वो याद हो जाएगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में फॉर्मूला सब भी करवाऊंगा, मगर ये जब वर्थ कंडीशन रहे तब वो फॉर्मूला लगाना, नहीं तो ऐसे ठोक देना,
ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब फॉर्मूला फॉर्मूला चिल्ला रहे थे ना, अब देखो फॉर्मूला भी फेल। देखो कैसे, साइन 18 का मान पूछे या कॉस 72 का, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? साइन 18 पूछे या कॉस 72, तब कौन सा फॉर्मूला लगे रे बबुआ, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जल्दी बताओ, अगर आपसे साइन 18 चाहे कॉस 15 कॉस 72 का मान पूछे, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अगर यहीं पे पूछे साइन 15 या कॉस साइन 18 या कॉस 72 डिग्री का, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अब बता दो। अब तो ऑप्शन गुल हो जाएगा, छोड़ दोगे एग्जाम में, मगर हम बताएंगे हम बताएंगे हम बताएंगे। इसकी वैल्यू होती है रूट अंडर 5 - 1/4। इम्पोर्टेंट है, जेई और एनडीए और किसी भी एग्जाम का तैयारी करने वाले बच्चे सीख लो, वरना गड़बड़ हो गई तो कभी सीख ना पाओगे। देख लेता हूं वीडियो क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखो, अब यहीं पे अगर पूछ लिया जाए cos 36 और sin 54, इसका फॉर्मूला बताओ, तो क्या बोलोगे? इसका फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर 5 + 1/4। क्या होता है? रूट अंडर 5 + 1/4। अगर यहीं पे बात की जाए cos 18 या sin 72, cos 18 या sin 72, अगर sin 18 पूछे तो रूट अंडर 5 - 1/4, लेकिन cos 18 पूछे तो आपको याद रखना है, या sin 72, देखो क्या होता है, रूट अंडर 10 + 2√5/4। याद तो करना पड़ेगा, ये आते हैं ना एग्जाम में तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना होता, सीधा ऑप्शन दे रहे होते हैं। थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। रूट अंडर 10 + 2√5/4, इसका क्या हो जाएगा? कॉस 18 की वैल्यू, अगर यहीं पे अगर आपकी वैल्यू साइन 18 की पूछे रूट अंडर 5 - 1/4, cos 36 रूट अंडर 5 + 1/4। अब देखो, अब यहीं पे अगर sin 36 की पूछे, sin 36 की, तो क्या होगा? देखो क्या पूछे, sin 36 की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो तो बताना पड़ेगा ना आपको। देखो sin 36 की वैल्यू, sin 36 पूछे या cos 54 पूछे, आपको होगा क्या? रूट अंडर 10 - 2√5/4, ठीक है, रूट अंडर 10 - 2√5/4। अगर आपको cos 18 का पूछे रूट अंडर 10 + 2√5/4, अगर sin 36 का पूछे तो ये हो जाएगा, अगर आपका sin 18 का पूछे रूट अंडर 5 - 1/4। ऐसे फॉर्मूले है ना ये,
अगर पेपर में आ गया ना, नहीं पता होगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सीधा मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर यहीं पे अगर साइन 22 1/2 का पूछे तो क्या बोलोगे? ऐसा ऐसा करवाऊंगा ना एग्जाम में, तो सीधा पेपर में फोड़ते हुए चले जाओगे अगर याद हो जाएगा तो। ठीक है, देखो कैसे भी मेहनत करने वाले बच्चे याद कर ही लेंगे, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि उनको कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मुझे भरोसा है उन पर, मुझे भरोसा है उन पर कि वो कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे और आसानी तरीके से फोड़ देंगे। मैं इसीलिए बार बार देखता हूं ताकि आपका पिक्चर क्वालिटी ब्लर ना हो पाए। ठीक है, देखो अब √2 - √2/2, अगर यहीं पर कॉस की बात कर ली जाए, cos 22 1/2 का क्या होगा? कुछ नहीं करना है, √2 + √2/2। ध्यान रखना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इसको सोच भी नहीं सकते, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं किसकी, tan 22 1/2। अगर यहीं पे दे दिया जाए tan 22 1/2, अब क्या होगा? बच्चे फंस जाएंगे, गुरुजी साइन कॉस तक तो ठीक था, मगर आपने टेन क्यों दे दिया? इसको भी याद रखो, ये बहुत ही सिंपल होता है, √2 - 1। जितने भी आधा वाले हैं ना, दो से बहुत प्यार करते हैं, दो तो आना ही आना है, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता। अगर यहीं पे अगर आपका cot 22 1/2 होगा तो √2 + 1 क्या हो जाएगा? √2 + 1। सारे फॉर्मूले जो है ना, याद करने के अलावा कोई ऑप्शन मत बचाना इसको, ये जो बता रहा हूं उसको ये मत सोचना कि कुछ फॉर्मूले से निकाल लोगे, फॉर्मूला से निकालोगे टाइम आपका वेस्ट होगा, आप एग्जाम में बहुत कम टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन को दे पाओगे। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद ही करना है और कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपको cos 22 1/2 की वैल्यू पूछे ना एग्जाम में, नहीं पता होगा, एक झलक नहीं देखे होगे, कभी जीवन में नहीं कर पाओगे मेरे भाई, कभी जीवन में नहीं। तो याद रखना, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आज ये सारे नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लो, इसलिए लेक्चर यहां तक ले रहा हूं। और याद रखना, अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के आना, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सारे फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में जो अच्छे रिविजन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूरा फॉर्मूला लिख के बता देना, आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से या ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ा पाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, और याद रखना सारे फॉर्मूले को कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।